इंडिया की सरकार बनेगी। और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9 2 11 हो जाएंगे। अमेठी में अखिलेश राहुल की रैली, साथ में सुलझानी है रायबरेली की भी पहेली। कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी में राहुल और अखिलेश ने जीत की हुंकार भरी। 2019 में अमेठी में हारने वाले और अब पड़ोस की रायबरेली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने अमेठी से अपने दशकों पुराने रिश्तों की गवाही दी। जब मैं 12 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ आया अमेठी का, और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। अगर 10 रुपए विकास के रायबरेली जाएंगे तो 10 रुपए विकास के अमेठी आएंगे। अमेठी में कांग्रेस के KL शर्मा का मुकाबला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से है। ईरानी के खिलाफ मोर्चा अखिलेश यादव ने खोला है। अमेठी में सरेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं, और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9 2 11 हो जाएंगे। अमेठी में राहुल अखिलेश जीत का संदेश दे रहे थे तो रायबरेली में शाह इन दोनों सीटों पर जीत की राह बना रहे थे। शाह ने मंच से दोनों सीटों की जीत की हुंकार भरी। ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहाँ से ही हो जाएगा। ऊपर मोदी जी है और नीचे योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडों को चून चून कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ। अमेठी और रायबरेली NDA और इंडिया गठबंधन के लिए नाक का सवाल है। इन दोनों सीटों पर 2019 पर 1-1 से ड्रॉ हुआ था। अब देखना है इस बार स्कोर लाइन बदलती है या फिर पहले वाले ही नतीजे आते हैं। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूवी इंडिया न्यूज। इंडिया की सरकार बनेगी। और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9 2 11 हो जाएंगे। इंडिया की सरकार बनेगी। और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9 2 11 हो जाएंगे। इंडिया की सरकार बनेगी। और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9 2 11 हो जाएंगे।